न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेवेनएस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वट्टेपल्ली फातिमा नगर के इलाके रेलवे ट्रैक पर रईस नामी एक शख्स की नाश दस्तियाब हुई है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात रईस के घर वालों की जुबानी। साहब थे 6 बजे से हम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं, 7 बजे से। शेख रईस नाम है इनका। उम्र क्या? 43 है। सॉरी, रहने वाले हैं ये फलकनुमा फारूक नगर के रहने वाले है। ये इनका एक्सीडेंट हो गया ऐसा पटरों पे। हम लोग वहाँ पुलिस कर 100 डायल कर रहे, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। आ रहे उधर महाराजापल्ली स्टेशन का है बोले, वहाँ के पुलिस वाले आके जो उसमा फलकनुमा का है बोल रहे, फलकनुमा को बोले तो रेलवे वालों को बोलो बोल रहे, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। अभी ये रात के 11-12 बज रहे, ये तरीका है ये। कब हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट 6 बजे हुआ। 6 बजे से अब तक रिस्पांस कुछ भी नहीं? अब तक रिस्पांस कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ऐसा मिली तलाश? इतला ऐसा मिली कि यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर बच्चे जो उसमें नमाज पढ़ के खेल ले रहे थे, जो भी कर रहे थे, उन देख के आके जो उसमें फोन उठा के जवाब दिए कि भाई यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया, इनका पटरियों पे पड़े हुए हैं, न बोलने से हमारे को इतला मिली। रेलवे पुलिस को कब कॉन्टेक्ट कर रहे थे? रेलवे पुलिस को हम लोग 7 बजे से कॉन्टेक्ट कर रहे। पुलिस वाले करे, आप लोग डायरेक्ट करे? हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे। हम लोग भी करे, पुलिस वाले भी करे, करके 12 बजे मैलादरपल्ली से एसआई साहब मैडम उडम आए थे। उन लोग बोले हमारा एरिया नहीं है ये, फिर फलकनुमा को करो, रेलवे पुलिस को काचीगुड़े को करो। वो तो हम लोग को क्या मालूम, कैसा करेंगे बोलो। आप पुलिस वाले हैं, आप लोग को मालूम रहता, आप लोग कोऑपरेट करना, क्या करना, बॉडी उठाने का, उन्होंने का कुछ भी कुछ भी नहीं साहब। अभी तक रात के 1:05 से बॉडी अभी पटरियों पे ही पड़ी हुई है। अब जो भी कोऑपरेट करे, हैदर भाई थोड़ा बहुत बोले, फिर उन्होंने भी फोन आना करे, बाद में हमारे मीडिया वाले आए, वो लोग सपोर्ट करे। ये आपके सामने बयान आ रहा जो भी है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 1:17 आ रहा। 1:17 1:17 हो रहे। अभी भी पटरियों पे पड़ी हुई है, घर में पूरा बच्चिया उच्चिया उमराड है। अब हम लोग कैसा बोल के करेंगे? अभी बाजू ने बोल रहे सुबह में आते, सुबह में उठाते, तो रात भर पटरियों पे कैसा रहेंगे हम, डेड बॉडी ले लेके बोलो। ये रेलवे पुलिस का कॉपरेट होना चाहिए, हमारे को सपोर्ट करना चाहिए। अब हमारे खानदान कबीले में तो कोई भी आके हमेशा कटते नहीं, मरते नहीं, हमको क्या मालूम। जो मालूम हुआ तो उसके बाद में जिसका इंतकाल हुआ वो मेरे ड्रिंक करते थे शायद, मेरे को पक्का कंफर्म नहीं है, करते थे। तो अभी करे है नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं, फैमिली प्रॉब्लम। अब वो तो उनके घर को मालूम, मेरे समझी होना ठीक है। अभी मेरे को मालूम होता कि मैं भी 8 बजे से हूँ यहाँ, अभी रात का 1 बज रहा, अभी पटरियों पे कैसा रहना बोलो। रेलवे पुलिस का काम है, थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। ये आए दिन यहाँ पर ऐसा पटरियों पे हादसे हो रहे जी, तो ये रास्ता कहाँ से खुला है पटरियों पे जाने? पटरियों पे से उधर से आते भाई, वो क्या बोलते जहीर भाई की किरानी दुकान है, वहाँ मोहता के वास्ते बोल के छोड़े हुए है वो रास्ता। अब उधर से अंदर इंटर होते बच्चे बच्चे, अब इन्हों भी शायद उधर से आए। अभी क्या टेंशन था ऐसा, तो हमेशा ऐसे करते रेलवे वाले ने फिर नहीं, नहीं हवा हमारे साथ तो आप हवा जैसा हुआ जिससे इससे पहले कभी ऐसा। अभी ऐसा तो हम पक्का नहीं बोल सकते भाई, हमारे को जो तकलीफ हुई हम इसका मीडिया के सामने रखे ये बात। अब क्या मतलब है? अब यही है कि रेलवे पुलिस से जरा बोलो, आपके थ्रू मालूम करो उनको कि थोड़ा कभी ऐसा कुछ हादसा हो गया तो जरा जल्द से जल्द कॉपरेट करे बोल के। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड्स। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह, मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।